गाइस जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं उन लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है कि एक टाइम के बाद उनके लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों को क्या करना पड़ता है, अपने लैपटॉप को ऑलवेज चार्जिंग पर लगाकर यूज़ करना पड़ता है। यदि वो वहाँ पर अपने चार्जर को अनप्लग कर देंगे तो यहाँ पर उनका जो लैपटॉप होता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या हम यहाँ पर अपने लैपटॉप की बैटरी जो है वो तो ख़राब हो चुकी है, तो बैटरी को निकाल कर सिर्फ ऑलवेज चार्जर को कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, क्या इससे लैपटॉप को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ऐसा करना बिल्कुल सेफ रहेगा। दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, आपको दोस्तों जानना तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सुबह इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या हम लैपटॉप की बैटरी को रिमूव करके उसको ऑलवेज यहाँ पर चार्जिंग पर लगाकर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आराम से ईजिली लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज़ कर सकते हो भले ही उसमें बैटरी ना लगी हो। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि हम लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज़ करते हैं जबकि उसकी बैटरी सही है, उस केसेस में हम उसको चार्जिंग पर लगाकर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उस टाइम पर जो लैपटॉप है वो बैटरी से कोई पावर नहीं लेता, वो जो पावर लेता है वो डायरेक्ट जो अडाप्टर से आ रही है उसी पावर को यूज़ करता है। और जब बैटरी 100% चार्ज हो जाती है तो तब भी दोस्तों यहाँ पर बैटरी से लैपटॉप कोई भी पावर नहीं लेता, वो सिर्फ यदि वो चार्जर लगा हुआ है अडाप्टर लगा हुआ है तो उससे आने वाली पावर को ही यूज़ करता है। तो दोस्तों यदि आपके लैपटॉप की बैटरी को मान लो आप निकाल देते हैं तो उस केसेस में भी दोस्तों सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि आपका जो लैपटॉप है वो जो अडाप्टर से पावर आ रहा है, जो चार्जर से पावर आ रहा है, उसी का यूज़ करके चलता रहता है। तो इससे आपको कोई ऐसी नुकसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा करने के पहले आपको कुछ बातें जान लेना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लैपटॉप की बैटरी को रिमूव कर देंगे और उसको ऑलवेज चार्ज पर लगाकर यूज़ करेंगे तो जैसे ही वहाँ पर पावर सप्लाई यदि कट होती है तो आपका लैपटॉप भी तुरंत ही बंद हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आपके लैपटॉप में कुछ खराबी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लाइट जाने के बाद वो अचानक से शटडाउन हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई बैटरी बैकअप नहीं रहता। तो यदि आपके एरिया में लाइट कभी नहीं जाती या फिर दोस्तों आपके घर में इन्वर्टर का कनेक्शन है जहां पर आपकी जो पावर सप्लाई वो कट नहीं होगी, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप बिना किसी दिक्कत के लैपटॉप को डायरेक्टली चार्ज पर लगाकर यूज कर सकते हैं। भले उसके आप अंदर की बैटरी को निकाल देंगे तब भी आप उसको चार्ज पर लगाकर आसानी से यूज कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपके एरिया में जो लाइट है वो बार बार जाती है तो इस केसेस में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप उसमें जो नई बैटरी डलवा लें या फिर आपकी जो लैपटॉप में बैटरी डली हुई है वो थोड़ा बहुत भी 2-4-5 मिनट भी यदि बैकअप देती है तो उसको लगाकर ही आप यूज करें, क्योंकि दोस्तों अचानक से मान लो पावर सप्लाई कट हो जाती है तो आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन कर सकें प्रॉपरली। और बस मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि यदि आप अपने कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों उसको डायरेक्टली आप पावर ऑफ कर देते हैं मेन स्विच से तो यहाँ पर दोस्तों अचानक बंद करने से आपके कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, यदि आपने वो वीडियो देखना है आपको तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। क्योंकि तो दोस्तों लैपटॉप का ये जो केस रहेगा कि आप बैटरी को निकाल कर डायरेक्टली अडाप्टर से कनेक्ट करके यूज़ कर रहे हैं और इस केस में यदि पावर कट हो जाता है तो दोस्तों ये केस भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे दोस्तों लैपटॉप थोड़ा हीट अप होता है। अब दोस्तों यदि आपने लैपटॉप की बैटरी को रिमूव कर दी और सिर्फ उसी अडाप्टर से आने वाली पावर का यूज़ करके ही चल रहा है तो इस केसेस में तो ये माना जाएगा कि लैपटॉप ऑलवेज पावर से कनेक्ट है, ऑलवेज वो चार्जिंग पोजिशन पर है। तो इस केसेस में दोस्तों आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट अप ना हो, क्योंकि ऐसे में दोस्तों लैपटॉप हीट अप होता है। तो इसको दोस्तों आप लोग सिंपली इस चीज़ को कर सकते हैं कि आपने लैपटॉप को उसके कूलिंग पैड के ऊपर रख लें जिससे वो ऑलवेज ठंडा होता रहेगा। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर उसको ज़्यादा हीट अप होने से बचाना है, क्योंकि यदि ये ज़्यादा हीट अप होता है तो यहाँ पर भी आपके लैपटॉप की मदरबोर्ड को नुकसान पहुँच सकता है। सो गाइस आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि यदि हमारे लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो जाती है तो उस केसेस में हम लैपटॉप की बैटरी को हटाकर उसको डायरेक्टली उसके अडाप्टर से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दे दी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, सारे बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो, तो चलिए बाय बाय।